मैं भी जब विदेशों की ट्रेन देखता था तो मैं सोचता कि यार विदेशों में इतनी चमचमाती ट्रेन चलती है, हमारे देश में क्यों नहीं चलती है। गाइस, सबसे कमाल की बात यह है कि ये ट्रेन मेक इन इंडिया है। गाइस, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, एक दिन था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। पहले मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने भर भर के लूट के लेके गए भारत को। कुछ तो समुंदर में डुबा दिए और आज फिर हमारा भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और अच्छी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी से देश आगे बढ़ रहा है। और अभी खबरें ये भी आ रही है कि पठानकोट और जलंधर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। तो गाइस, उसमें हमें भी बैठने का मौका मिलेगा वंदे भारत ट्रेन में जो पठानकोट से जलंधर के बीच में चलेगी, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि बहुत जल्दी भी चलेगी, क्योंकि मोदी जी ने एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन एक दिन में लॉन्च किए। इससे उम्मीद बढ़ जाता है कि बहुत जल्दी पठानकोट और जलंधर के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी, उसमें भी बैठने का मौका मिलेगा हम लोग को। अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन पे, मेरे दोस्त को टिकट करवाना था तो मैं जाके देखता हूँ कि वंदे भारत ट्रेन कैसी है। पुनीत को भी साथ में लेके जाता लेकिन पुनीत चला गया है खेलने, लेकिन मैं जाऊँगा और देखूँगा। मैं भी जब विदेशों की ट्रेन देखता था तो मैं सोचता कि यार विदेशों में इतनी चमचमाती ट्रेन चलती है, हमारे देश में क्यों नहीं चलती है। तो उसकी एक उम्मीद की किरण है वंदे भारत ट्रेन, जो नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी तक जाती है कटरा तक। उसी ट्रेन को देखने के लिए जा रहा हूँ, स्टेशन पर वेट करूँगा और उसको देखूँगा कैसी है। बैठने का तो अभी मौका नहीं मिला है, लेकिन आज उसको नज़दीक से देखूँगा। ट्रेन आने में तो काफ़ी टाइम है, फिर भी मैं चलता हूँ वहीं पे वेट करूँगा, क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो बहुत जल्दी आ जाएगी। वहाँ स्टेशन पर जाने के बाद वेट करना ही बहुत अच्छा रहेगा, और उसकी मैं वीडियो बनाऊँगा और वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कैसी है वंदे भारत ट्रेन। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। रोड पर भी लोग हैं। गाइस, आज तो मैं आया हूँ टांडा उड़मुर रेलवे स्टेशन पे। इसी रूट से जाती है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कटरा होते हुए माता वैष्णो देवी तक भी जाएगी। तो गाइस, ये जो वंदे भारत ट्रेन है, ये मोदी जी की सपनों की ट्रेन है और 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी सपनों की ट्रेन है और काफ़ी सुंदर है। आप लोग शायद नज़दीक से देखेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि जिस तरह विदेशों में चमचमाती ट्रेन चलती है उसके टक्कर की है। खास बात यह है कि मेक इन इंडिया है। तो गाइस, कुछ ही देर में हमारी वंदे भारत ट्रेन आएगी। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं टांडा उड़मुर का छोटा सा रेलवे स्टेशन। इधर से एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन जालंधर तक जाती है, पठानकोट से जालंधर के बीच में चलती है। तो गाइस, अभी मैं ओवरब्रिज पे आया हूँ और इधर से आपको जलंधर लुधियाना दिल्ली की तरफ चली जाएगी, जो अभी यहाँ पे लोकल ट्रेन खड़ी है। और ये जो रास्ते हैं, इधर आपको मुकेरिया पठानकोट कटरा। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ वंदे भारत ट्रेन की, जो अभी कुछ ही देर में आने वाली है। ये छोटा स्टेशन है, यहाँ लंबी दूरी की ट्रेनें बहुत कम रुकती है। मैं तो वेट कर रहा हूँ वंदे भारत ट्रेन की, जो मोदी जी की सपनों की ट्रेन है। अभी तक मुझे उसमें सफ़र करने का सौभाग्य नहीं मिला है।
इसको रास्ता देना था, इसीलिए लोकल ट्रेन को खड़ा कर दिया था काफ़ी देर से। नहीं तो गाइस ये इतनी देर तक लोकल ट्रेन नहीं रुकती है। ये देखिए हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा गेहूं होता है कि हम अफगानिस्तान को फ्री में देते हैं। और ये जो मालगाड़ी का डब्बा है इसमें सारे डब्बे में गेहूं का बोरी भरा जाएगा और इसे दूर दूर तक इसे भेजा जाएगा। अमेरिका एक ऐसा देश है जो हथियार फ्री में देता है और मोदी की सरकार दूसरे देशों को गेहूं फ्री में देता है कि अमेरिका और भारत में सबसे ज़्यादा रिश्ता किसका मजबूत होगा। गाइस वंदे भारत ट्रेन तो काफ़ी वेट करवा रही है मुझसे। तो गाइस वंदे भारत ट्रेन की सिग्नल हो गया है, आप देख सकते हैं तो कुछ ही देर में आने वाली है हमारी वंदे भारत ट्रेन। मैं सोच रहा हूँ उसको ऊपर से ब्लॉग बनाऊँ। गाइस वंदे भारत ट्रेन आ रही है और सिग्नल हो गया है। वो देखिए आ भी गई, वो देखिए। बहुत स्पीड से आ रही है गाइस। भाई साहब गाइस कितनी क्लीन है, कितनी साफ़ सुथरी है। तो गाइस वंदे भारत ट्रेन तो चली गई, अब मैं भी जा रहा हूँ घर। इंतज़ार किया और वंदे भारत ट्रेन को देखा, बहुत अच्छी है ट्रेन, देख के आया, बहुत कमाल की है। कितनी स्मूथ चलती है, थोड़ा सा भी हिल नहीं रही थी। और मैं देखा तो मैं देख के हैरान रह गया, मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मैं बोलूँ क्या, उसको देखता ही रह गया। बहुत कमाल की ट्रेन है गाइस। सबसे कमाल की बात यह है कि ये ट्रेन मेक इन इंडिया है, देश में बनती रहेगी और देश के पटरी पर चलती रहेगी।